This is the supply. Supply that means we discussed in the last lecture about the demand and law of demand. demand and supply and demand both are the very basic and fundamental topics. Uh, so we discussed that what is supply. Supply means that the quantity of the commodity which the producer or seller are willing to sell at different prices. So what just recall what was in the demand? That mean buyer are

That what is the relationship between the supply, the quantity supplied, and the prices? So, again, the law of demand was saying that the relationship between the quantity demanded and the prices. So, what will happen here? Actually, the relationship between the quantity supplied and prices. Now, what happens is that the supplier behave in the market, the other things remaining same. So, that means the Citrus condition is there. The quantity supplied of the commodity increases with the rises in prices. So here is saying that supplied the commodity increases in the prices mean So that means the supplier more here. So that means if the supplier is increasing their commodities at the higher prices and decreasing their commodities at the lower prices so that's mean there is the direct relationship there is the positive relationship so hum ye baat is tarah se likh quantity supplied quantity ye prices so what will be the uh, phenomenon this is a quantity supplied is equal to the quantity supplied is the function of prices so we may write here in this way okay fine so what is happening here basically these are the commodities Com क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है तो प्राइसेस भी बढ़नी चाहिए तो दैट्स मीन वी हैव दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप तो दिस इज द पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, एंड वी आर सेइंग दैट दिस इज एस व्हाट इज़ हैपनिंग दैट्स मीन कि अगर हम जैसे जैसे क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे प्राइसेस भी बढ़ रही हैं तो दैट्स मीन प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड में इजाफा करेगा सप्लायर सो नाउ वी विल सी अ स्पेसिफिक पॉइंट दैट मीन हाउ हाउ कैन वी इंटरप्रेट दिस दैट मीन स्पेसिफिक पॉइंट Q1 Q1 सप्लाइड कर रहा है वो कंज्यूमर सप्लायर कंज्यूमर को एट प्राइस वन पे ओके okay, फाइन अब लेकिन हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करें हम ये अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं कि अगर क्यू uh, टू चाहिए तो डैट्स मीन इसको एक हायर प्राइस पे करनी होगी यानी क्यू अगर सप्लाईड करना है तो मार्केट के प्राइस उसको बढ़ना होगा क्यू चाहिए तो मार्केट के प्राइस को और बढ़ना होगा ओके फाइन सो दिस इज़ द टोटल रिलेशनशिप बिटवीन एंड दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई नाउ वी विल डिस्कस वन एक्सटेंशन एयर कि लेट सपोज इफ द सप्लाई का हम शिफ्ट को डिस्कस करते हैं अगर सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है तो दैट्स मीन हम उसको यू प्लॉट कर सकते हैं और दिस इज द एस डैश सब शिफ्ट हो गया राइट वर्ड शिफ्ट हो चुका है ठीक है अब शिफ्टिंग के बाद प्राइसिस और कमोडिटीज पे क्या फर्क पड़ेगा सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स मीन यहां पर अगर हम सेम प्राइस रखें दैट्स मीन ऑन द सेम प्राइस द नाउ द प्रोड्यूसर इज एग्री टू टू प्रोवाइड मोर कमोडिटीज़ सप्लाइड मोर कमोडिटीज यानी कि उस एक ही प्राइस के ऊपर अब ज़्यादा क्वान्टिटी देने के लिए तैयार है ओके सो डट्स मीन या फिर हम दूसरी बात ये करते हैं कि अगर हमें उतनी दूसरे अंदाज में उसको म्यूज दे सकते हैं कि अगर हमें हमारी कमोडिटी तो उतनी इनफ थी जितनी हम पहले ले रहे थे तो अब उसकी प्राइस में कमी वाक़ होगी सो so, दो तरीक़ों से उस बात को समझिए वेरी सिंपल कि कंज्यूमर ने अगर उतनी ही कमोडिटी ख़रीदनी जितनी वो पहले ले रहा था तो अब उसको उसकी प्राइस पी वन पे नहीं करनी उससे नीचे पे करनी पड़ेगी उसका मतलब ये है कि प्राइसेस में सप्लायर जो है वो कमी लेके आएगा अभी क्वेश्चन अपनी जगह होल्ड रखेंगे कमी वो क्यों लाएगा उसको बाद में डिस्कस करते हैं दूसरा तरीका इस शिफ्टिंग का अंदाज़ा क्या है कि अगर जितनी ही प्राइस वो पहले मार्केट में ले रहा था अगर उतनी ही लेगा तो वो क्वांटिटी में इजाफा करेगा लेट्स मीन अब समझें इस बात को लेट्स uh, सपोज वो मिल रही है उसको समझ लें फोर ग्राम का एक टी का बैग है फोर ग्राम हाफ के ये नहीं है उसके लिए वो एक प्राइस ले रहा है टी वन अब वो कहता है कि मैं उसके लिए आपसे सौ रुपये ले रहा हूँ और 400 ग्राम दे रहा हूँ तो अब वो क्या करेगा कि फोर प्राइस वो हंड्रेड रुपीज़ ही लेगा लेकिन उस बैग के अंदर वो बोलेगा कि अब जनाब ज़्यादा मेदार के साथ इस तरह आप सुनते हैं और वो कमोडिटी वो उसको फोर हंड्रेड ग्राम से फाइव हंड्रेड ग्राम यानी हाफ के जी कर देगा सो so, अगर सेम प्राइस पे वो ज़्यादा कॉमानटिटी दे रहा है दैट्स मीन कि आपको सप्लाई कर आके शिफ्ट हो जाएगा एक एग्ज़ाम्पल ये होगी सिमिलरली इस तरह से उसको हम पढ़ लेते हैं कि अगर उसने 400 ग्राम का ही एक पैकेट निकालना है तो वो एक न्यू प्राइस पे पैकेट इंट्रोड्यूस करवाएगा और वो जो प्राइस होगी वो आपकी 100 से नीचे 80 रुपीस पे होगी यानी वो हो कहेगा भाई 400 ग्राम 80 रुपीस का या उससे नीचे प्राइस यानी ये टू 100 से नीचे होगी लेकिन सो दीज आर टू डिफरेंट वेज बाय विच द क्वान्टिटी सप्लाई कर्व कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड ओके Now the our last question is that दैट कि वाई दिस कर्व इज शिफ्ट फ्राम द राइट So उसकी तीन चार चीज़ें हैं लेकिन वो सब चीज़ों को अगर हम joint कर लें तो मेन रीजन इज दस्ट ऑफ प्रोडक्शन दहरसी बात है देखिए एक natural phenomenon है Seller को कोई हमदर्दी तो नहीं है कि वो एकदम price खत्म कर देगा यकीनन उसको मार्केट में कम्पीट करना है और अगर वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी वजह से लो हो जाती है सो so, हम ये कह सकते हैं कि वो आपको प्राइसिस कम करके उतनी क्वांटिटी दे देगा या उतनी ही प्राइस पे ज़्यादा कमॉन्डिटी सेल करना लग जाएगा अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों कम हो सकती है इसको भी देख लेते हैं सो so, दो तीन ये चार चीज़ जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेसिक एलिमेंट आपका जो आता है वो आता है रॉ मटेरियल अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही है इट्स वेरी सिंपल आपको पता है कि रॉ मटेरियल बेसिकली इंपोर्ट किया जाता है अगर एक्सचेंज रेट में फ़र्क आता है तो आपका देखें रॉ मटीरियल किसी और वजह से भी कोई आपके पास कोई रीज़न आ जाता है जिस वजह से आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगी इसी तरह से आप ये देखते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली आपको पता है कि जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द लोन बहुत सारी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है तो अगर इंटरेस्ट में कमी आती है तो डैट्स मीन सिमिलरली बनाने वाले वेजेस वेजेस में अगर आपकी जो है वो डिक्लाइन आता है तो आप दैट्स मीन दल्दो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द वेलफेयर साइड बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग द फैक्टर्स दैट्स मीन अगर ये तमाम फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर या इसके अलावा भी कोई फैक्टर हो और जिसके नतीजे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सो so, सेलर अपनी कमोडिटी को की प्राइसेस कम करने पे रेडी हो जाते हैं या फिर उसी प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने तैयार होता है दोनों एक ही बात है और उसके नतीजे में आपका जो सप्लाई कर् है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है डेफिनेटली अगर आपका सप्लाई कर् लेफ्ट शिफ्ट होगा तो यही तमाम एलिमेंट रिवर्स हो जाएंगे और वो उतनी ही प्राइस पर उतनी कमोडिटी नहीं दे रहा होगा अब वो उससे कम दे रहा होगा सो दिस इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लीज़ लर्न डेट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन सो यू मे आस्क फ्राम डिफरेंट वेज by whatsapp by email and you can ask also in the comments